हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो संजीर कतर और मैं हूँ मोहम्मद संजीर आलम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले। इससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह के वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। सबसे पहले नंबर गुड न्यूज की बात कर ले तो ये गुड न्यूज कतर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है, एमओपीएच की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर जो गुड न्यूज दिया गया है, जिन लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है या तो जिन लोगों को कोरोना हुआ था, आपको बता दूं जिन लोगों को कोरोना हुआ था या तो बूस्टर डोज लिया था, उन लोगों का जो फुली वैक्सीनेटेड समझा जाता था केवल 9 महीना समझा जाता था, कतर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से फिर से कहा गया है जिन लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है या तो जिनको कोरोना हुआ था उनको अगले 12 महीने तक फुली वैक्सीनेटेड समझा जाएगा। अगर आपको कोरोना हुआ था तो आपको बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बूस्टर डोज ले लेते हैं तो जब आप बूस्टर डोज लेंगे उसके बाद आपको 12 महीने तक फुली वैक्सीनेटेड समझा जाएगा। अगर दूसरे गुड न्यूज़ की बात कर ले तो ये गुड न्यूज़ वजारत औकाफ के तरफ से आ रहा है, मस्जिद में जाने वाले लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पर बताया गया है आपको मस्जिद जाने से पहले न तो आपके साथ में जो जय नमाजी होता था इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा अब आपको मस्जिद जाने से पहले मोबाइल को ले जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मस्जिद के दरवाजे पर आपको पहले एहतराज का जो एप्लीकेशन दिखाना होता था वो अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान जो सोशल डिस्टेंस बनाना पड़ता था इसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। मस्जिद जाते वक्त आपके साथ में केवल एक चीज होना चाहिए, वो है आपके साथ में मास्क। इसके अलावा बताया गया है औरतों के लिए जो नमाज पढ़ने का जगह है उसको भी खोल दिया गया है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं वजारत औकाफ के तरफ से कहा गया है जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को भी अब 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद के अंदर जाने दिया जाएगा। मस्जिद के अंदर जितने भी पाबंदी लगाई गई थी सभी पाबंदी को हटा लिया गया है, केवल एक पाबंदी के वो है आपके साथ में मास्क होना चाहिए, आपको मस्जिद के अंदर मास्क लगाना जरूरी होगा। अभी जो मैंने बताया इस पे अमल होगा शनिवार यानी 12 मार्च से अमल होगा। 12 मार्च से आपको मस्जिद जाने से पहले न तो कालीन, आपको मस्जिद जाने से पहले न तो एहतराज एप्लीकेशन, मस्जिद में आपको किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंस करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का भी ताल्लुक नेपाल से है उन लोगों के लिए नेपाल गवर्नमेंट के तरफ से एक सूचना जारी किया गया था पीसीआर टेस्ट को लेकर के, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूँ, आपको वीडियो लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा जो गुड न्यूज है ये कतर कैबिनेट के तरफ से है, क्योंकि कतर कैबिनेट के तरफ से कतर में लगाए गए पाबंदी में नरमी की गई है, बहुत सारे पाबंदी को हटा लिया गया है और बताया गया है कुछ खास जगह है जहां पर केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही जा सकते हैं। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। जितने भी कैपेसिटी वाले जगह थे उन सबको खत्म कर दिया गया है, जैसे मेट्रो में केवल 75% लोग सफर कर सकते थे, इसके अलावा जो कंपनी का बस था उसमें भी 75% लोग ही एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। इसके अलावा बहुत सारे जगह था जहाँ पर 80% 70% 50% ही लोग जा सकते थे, अब इस कैपेसिटी को खत्म कर दिया गया है, जितना जगह है उतना आदमी वहां जा सकता है। कतर कैबिनेट के तरफ से कुछ खास जगह बताया गया है, जैसे जिम हो गया, शादी हो गया, इसके अलावा स्पोर्ट इवेंट हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, एक्सिबिशन इवेंट हो गया, इसके अलावा रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, वाटर पार्क हो गया, थिएटर हो गया, सिनेमा हो गया, इन सभी जगह पर आपको जाने के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो आपको इन सभी जगहों पर जाने से पहले 24 घंटे के अंदर का एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के जाना होगा। अगर आप जिम भी जाते हैं तो आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के जाना होगा। अगर आप किसी शादी में शामिल होना चाहते हैं, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। कॉफी शॉप या तो होटल में जाकर के कॉफी पीना चाहते हैं तो आपको फुली वैक्सीनेटेड होना है। अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो इन सभी जगहों पर जाने से पहले आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। अगर बच्चे लोगों की बात कर ले जिसका एज 12 साल से कम है, इन सभी जगह पर जाना चाहते हैं तो विदाउट रैपिड एंटीजन टेस्ट के जा सकते हैं, इन लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है। 12 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, इन सभी जगह पर जाना चाहते हैं तो उनको
फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए या तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के जाना होगा जो 24 घंटे के अंदर का होना चाहिए। अगर सोशल डिस्टेंस की बात कर ले तो इसको भी खत्म कर दिया गया है। अगर पॉसिबल नहीं है तो सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मास्क लगाने की बात कर ले तो मास्क का जो रूल पहले था वही रूल है, खुला जगह है तो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बंद जगह है तो लगाने की जरूरत है। अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको लगाना होगा, अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हैं तो लगाना होगा, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मस्जिद के अंदर जा रहे हैं तो इन सभी जगहों पर आपको मास्क लगाना जरूरी होगा। इन सारे रूल पे अमल होगा 12 मार्च 2022 यानी आने वाले शनिवार से इन सारे रूल पे अमल होना शुरू हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।